नमस्कार गाइस, यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं सुरेश बाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रश्नावली 7.1। उसके आज प्रश्न करने थे, उदाहरण एग्जांपल पूरे हो गए हैं। अपने बीच जो अफवाहें आ रही है या सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम करवा रहा है 1 जुलाई से 15 जुलाई, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं है, उनका टाइम टेबल जो दे रखा है उसी के तर्ज पर अभी आरबीएससी यानी जो राजस्थान बोर्ड की 10th और 12th की जो एग्जाम है उनकी भी सूचना यही आ रही है। 1 से 15 जुलाई के बीच यदि कोरोना संकट खत्म हुआ और जून तक यदि कोरोना से हमने मतलब बचाव कर लिया है, 1 जुलाई को स्कूलें खुल जाएगी, तो 1 से 15 जुलाई के मध्य पहले 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होगा। तो ये क्या 2 सब्जेक्ट रहे हुए हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें तैयारी कंटिन्यू करनी है, इसको छोड़ना नहीं है तैयारी को, क्योंकि किसी भी वक्त एग्जाम भी हो सकता है। 15 दिन पहले ही टाइम टेबल फिक्स होगा और 15 दिन पहले ही पता चलेगा, तो इसके लिए तैयारी लगातार करते रहें। अपना पहला सवाल है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इनमें से सेक का हमें नहीं करना है क्योंकि हमें सभी पदों को किसमें कन्वर्ट करना है, सेक के पदों में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इससे हमें साइन थीटा का मान याद करना है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट हटालेंगे, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब इसको चेंज किया हमने कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस बटो को मन आपको सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जब सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया LCM। जब हम LCM लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये किसके पदों में आ गया, यानी जो साइन का मान है साइन थीटा बराबर सेक के पदों में इसका मान क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। और जो हमने वो सारणी की थी बड़ी वाली, उस सारणी के अंदर दे रखा था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक साइन टेन कोट टेन, उसके अंदर साइन से सेक में मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, यही आंसर। इन सभी के पद उस सारणी के अंदर दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। कुछ नहीं करना है, एक समीकरण यानी हमने सरस्वती का लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें अलग करना है, यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा का मान भी अलग कर सकते हैं, तो कोस का मान होगा, लेकिन कोस का हमें मालूम है कि क्या होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा सीधा होता है, तो ये साइन का हो गया। अब हम करते हैं सेक थीटा का, दूसरा है हमारे पास कोस ऑफ थीटा। जब हम कोस ऑफ थीटा करते हैं तो कोसेक थीटा का जो मान है या कोस थीटा का जो मान है वो हमें मालूम है, सीधा ही क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तीसरा है टेन थीटा। अब हमें क्या करना है, टेन थीटा को किसके पदों में लेके आना है, टेन थीटा को हमें लेके आना है सेक के पदों में, तो ये समीकरण क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा में लेकिन हमें किसके पदों में लाना है, सिर्फ टेन के पद में लाना है, टेन थीटा के पदों में लाना है, स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बनिए 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे टेन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसका मान आ गया, टेन का भी आ गया, कोस का भी आ गया, और साइन का मान भी आ गया। स्क्रीनशॉट में एक बार इसका, कोई हार्ड चीज नहीं है, साइन का बता दिया था, कोस का होता है, कोस का सीधा मान है 1 बटा सेक थीटा, और टेन का एक समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या याद करना है, सिर्फ टेन थीटा का मान है, स्क्वायर का मान याद नहीं करना है, स्क्वायर का मान यदि पूछते हैं तो ये ऐसा ही मान होगा, लेकिन जब हमें याद क्या करना है, टेन का है तो स्क्वायर है, तो इसको क्या कर देंगे, हम अंडर रूट कर देंगे। स्क्रीनशॉट लो, इससे अगला है कोट का, इसका है 4 नंबर कोट थीटा। अब हमें मालूम है कोट क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, कोट क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा, और यहीं पर हम कोट का मान रखते हैं तो टेन का भी मान क्या आएगा सेक के पदों में, तो टेन का मान आएगा किसका, सेक के पदों में क्या आया था, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस
वन। तो ये सभी रिलेटेड है उस सारणी से, उस सारणी को आपको सही रूप से देखना है और समझना है। एक और इसका पांचवा कोसाइन स्क्वायर थीटा क्या है, कोसाइन थीटा का जो हम मान है वो क्या करना है, तो कोसाइन थीटा क्या होता है, वन अपॉन है साइन थीटा। और सबसे पहले हमने किसका मान निकाला था, साइन थीटा का मान निकाला था, वो क्या मान आएगा, जो वन अपॉन क्या है, साइन थीटा का मान क्या आएगा, वन अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन sec स्क्वायर थीटा। यानी जो कोसाइन थीटा का मान है उसका उल्टा क्या है, एक अपॉन वन अपॉन साइन थीटा है। और साइन थीटा का मान हमने सबसे पहले वाले समीकरण के अंदर निकाला था, कि क्या निकला था, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, ये सवाल तो कुछ हार्ड नहीं था, चलो ठीक है। और इसको ऊपर लिख लो, ऊपर लिख लो sec स्क्वायर थीटा थीटा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लगेगा इसका, अब अपना जो दूसरा प्रश्न है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा कोस थीटा साइन सेक और टेन थीटा को किसमें कन्वर्ट करना है, कोस थीटा के रूप में, कोस थीटा के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। यानी हमें सभी साइन थीटा कोस सेक और सेक सभी को किसमें करना है, कोट में करना है, हमें तीन दे रखे हैं साइन सेक और टेन, तो हमें किसमें करना है, तो साइन थीटा के अंदर करना है। यानी कि साइन थीटा को किसमें कन्वर्ट करना है, कोट में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है साइन थीटा बराबर वन अपॉन क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा होता है। और वन अपॉन कोसेक थीटा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोसेक का मान क्या है हमारे पास, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, वन प्लस इसका हम क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, हमें वन अपॉन अंडर रूट दिया, अंडर रूट करके हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोसेक थीटा का कोई मान नहीं होता है, स्क्वायर करेंगे, इस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट किया बच गया, ऑब्वियसली यही रह गया, तो हम अंडर रूट और स्क्वायर दोनों लगाते हैं इसके, तो वन अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और ये हमारा मान क्या है, हमें मालूम है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तो मैंने पहले दिन आपको क्या बताया कि एक सर्व समीका, क्या बताया थी, सर्व समीका है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हम इस कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या मान कर सकते हैं, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यही हमें इसके पदों के अंदर व्यक्त करना था। इसका अगला रूप इस कोस का देखना है, सेक थीटा का देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेक थीटा का देखना है, तो एक सरल समीकरण है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें मालूम है टेन का उल्टा क्या होता है, वैसा क्या होता है, वन प्लस वन अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। उसका क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक बटा कोट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है आपको, इसको एक लेके ऐसे लेके लेस बन लेना है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। तो ये किसके पदों में आ गया, सेक भी किसके पदों में आ गया, कोट के पदों में आ गया, और सेक आ गया किसके, कोट के पदों में अंदर आ गया। अब हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ही है, सेक स्क्वायर थीटा है। जब हम सेक थीटा के पदों में लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर ये अंडर रूट में जाएगा पूरा, क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। क्या गया, अंडर रूट के अंदर आ गया। यदि स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है तो आप अंडर रूट कर दो और कुछ नहीं करना है। आगे एक और देखा है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। अब टेन थीटा का मान ज्ञात करना, मालूम है कि टेन का उल्टा वन अपॉन कोट थीटा होता है। अब इसका आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास टेन स्क्वायर भी दे रखा है, सिर्फ टेन थीटा दे रखा है, और हमें टेन के ही थीटा के ही मान ज्ञात करने हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार,
अगला तीसरा प्रश्न है जो आप आसानी से कर सकते हो, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तीसरा प्रश्न है, इन सभी के अंदर निम्न विधि जो संरचना है उनको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। यह cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा बराबर है cot स्क्वायर थीटा। तो सवाल दिया गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो हमें करना क्या है, इसका करना कुछ नहीं है, या cos है या cos है या cot है, और यहां पर हमें cot याद करना है। तो इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, मान लो LHS ले लिया, ये LHS है वो RHS है, तो इनमें से हमें क्या करना है, cos कॉमन ले लेते हैं। cos स्क्वायर का कॉमन आ गया, यहां पर क्या हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है तो उसका हम क्या कर लेते हैं, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा, हमें cot को हटा, cos को हटाना सिर्फ cot के अंदर रखना है, ये हो जाएगा 1 प्लस cot का क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, क्या होता है cot cos स्क्वायर थीटा cos sin स्क्वायर थीटा, किसका होता है cot का होता है, यानी tan का उल्टा होता है और tan का होता है sin उल्टा cos, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, पहले ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, यानी इसकी जगह मान क्या आएगा एक आएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा एक बटा साइन स्क्वायर थीटा, और एक से मैं मतलब जब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है हमेशा वोट स्क्वायर थीटा। स्क्रीनशॉट लो एक बार वापस देख लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा क्या करना है, तो हमें मालूम है कि हमें cot के बदले में आंसर निकालना है, तो इसको क्या करना है खत्म करना है हमें, तो हम क्या करेंगे दोनों में से पहले एक कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बच गया, 1 प्लस cot को हम क्या लिख सकते हैं cos बटा sin, और cos हमारा वैसे हमेशा ही है, sin को हम ले सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है एक होता है, और एक बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस एक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, एकदम आसान से सवाल था, आप आराम से कर सकते हो इस सवालों को, जो मैंने एग्जांपल करवाए हैं अधिकांश सवाल एग्जांपल के हिसाब से हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा करवा रहा हूं। अगला सवाल है 4 नंबर, sec theta 1 minus sin theta sec theta plus tan theta बराबर में 1, यानी ये जो समीकरण, ये जो सरसमी का समीकरण दे रखी है sec theta 1 minus sin theta sec theta plus tan theta बराबर 1, यानी जो LHS मान है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए एक, जब एक आंसर आएगा अब हमें क्या करना है इसका, हम इसमें से जो हमारे पास sec थीटा है sec थीटा तो 1 माइनस क्या हो गया ये तो sin थीटा हो गया, अभी sec और tan को हमें चेंज करना है तो sec का क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan का क्या होता है sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा, नीचे cos थीटा cos का ऊपर क्या है sin थीटा है, तो ये हो जाएगा sec थीटा 1 माइनस sin थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि ये लेसन में 2 है तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमारे पास जो ऐसा सूत्र बना है अब हम क्या करेंगे इसका, जो sec थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, ऊपर क्या रह गया हमारा 1 माइनस sin थीटा, और इधर जो समीकरण हमारा बना हुआ है यानी इधर जो समीकरण हमारा बना हुआ है वो क्या है 1 माइनस ये है 1 प्लस sin थीटा, और इसके बट्टे में क्या है cos थीटा है, जब हम लेसन पर लेते हैं कुछ भी लेते हैं तो अब इसका क्या होता है ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस
साइन में दोनों गुणा कैंसिल है और इनका लसम में क्या आ गया cos थीटा क्या आ गया इनका लसम में cos स्क्वायर थीटा। जब इन दोनों को x में गुणा के अंदर दोनों को गुणा किया तो 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा और cos थीटा और cos थीटा को क्या कर दिया cos स्क्वायर थीटा। अब 1 - sin थीटा a - b ये है a plus b सूत्र क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका इसमें सॉल्व करेगा इसका क्या हो जाएगा तो ये सूत्र बन रहा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यानी ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा और जब हम ये है तो क्या आएगा आगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा क्या आता है कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर का कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा और वही हमारा क्या है आरएचएस है। स्क्रीनशॉट पर इसका वापिस देख लो समझ में नहीं आया तो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos लिख सकते हैं तो 1 माइनस sec थीटा हमारे पास है और इधर क्या था हमारे पास 1 प्लस जो tan थीटा था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है sin अपॉन cos के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया यानी जो sec था उसको हमने 1 अपॉन cos लिखा और जो tan था उसको हमने sin अपॉन cos लिख लिया। अब इसको हमने चेंज किया तो दोनों वाले से पहले cos और cos क्या आ जाएगा cos स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा ये a माइनस b a प्लस b का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो ये बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा और cos का थीटा से cos का थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट लेगा। अब अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा यह हमारा है जैसे आर जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा यह सवाल आप आसानी से कर सकते हो। जिस सवाल में इसमें एक चीज देखनी है आपको यदि यहां पर प्लस दे रखा है और यहां पर ये डॉट दे रखा है यहाँ पर प्लस दे रखा है यहाँ डॉट दे रखा है तो हम उसको मालूम है कि आरएचएस में यदि प्लस है यहाँ पर इसको डॉट में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है इस चीज को इसी टुकड़े को जिसका एलसीएम ले सके क्या कर सके एलसीएम लेना है। एलसीएम हमेशा ही प्लस में नहीं सिर्फ डॉट में आता है एलसीएम किस में आता है डॉट में आता है और वही उसका आंसर होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट करें पहले कोसेक को कर सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इसको किस में कर सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। जब आप इनको कन्वर्ट कर लिया हमारे पास लसम है वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है जैसा एक होता है नीचे क्या रखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या गया कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा यानी कुछ भी आर्ट नहीं है आप ये सारणी को ध्यान रखो जो मैंने सातवीं प्रश्न और छठवीं प्रश्न पढ़ाई थी उसकी सारणियों को ध्यान रखो तो सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो एवर्स का अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर वाला सवाल नंबर 6 है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट दोनों के। अब हमें इसमें क्या क्या करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम क्या लेंगे इसमें एचएस लेंगे आरएचएस में प्राप्त करना है। अब ऐसी भी यदि संख्या दे रखी हो तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था परसों 1 प्लस साइन थीटा नीचे वाली संख्या के विपरीत संख्या से क्या करना है ऊपर नीचे
गुणा करना यानी अंश व हर को वन प्लस से करना है, वन माइनस अंडर वन माइनस साइन थीटा से क्या करना है हमें गुणा करना है। जब हम इसको गुणा करेंगे यानी पूरी संख्या किसमें है अंडर रूट में है तो आप सीधा ले सकते हो, जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा वन माइनस साइन थीटा गुणा वन प्लस साइन थीटा, दोनों इनटू के अंदर आ जाएंगे क्या आएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। अब इसके अंदर वन माइनस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा है वो तो क्या हो जाएगी हमारे पास वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये एक प्लस है और एक माइनस है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है वैसा कोस स्क्वायर थीटा। अब इनके ऊपर से हमने अंडर रूट हटा दिया, इससे ये हट जाएगा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जब अंडर रूट हटेगा तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास, जब अंडर रूट हटेगा या आप इसको अभी अंडर रूट में रखते हो तो क्या होगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह आया कोस स्क्वायर थीटा मान आया। अब हम इसको अंडर रूट हटाते हैं, अंडर रूट हटाते हैं क्या हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा कोस ऑफ थीटा, हमें ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये माइनस का चिन्ह है इसका स्पेस छोड़ दो एक बार, ये हमारे पास माइनस का चिन्ह है यानी हमारे पास है वन माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है कोस ऑफ थीटा। अब हम इसको करेंगे वन अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो गया कोस थीटा, ये दोनों के नीचे एक के बट्टे में भी है और साइन थीटा के बट्टे में भी है तो वन माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है आपको। तो वन अपॉन कोस का मान तो क्या होगा सेक थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, और यही हमें क्या करना था आर एच एस याद करना था, स्क्रीनशॉट लो इसका। यदि स्पीड ज्यादा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे, बाकी स्पीड ज्यादा नहीं आराम से पढ़ा रहे हैं आराम से सब कुछ हो रहा है, यदि कोई देख रहे कोई समझ में नहीं आ रही होती हो तो आप कमेंट जरूर कर दें, कोई भी क्वेश्चन पूछे जिस समझ में नहीं आ रहा है वो भी कमेंट दे। अगला सवाल है सात नंबर, क्वेश्चन लिखो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या है रूट प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ध्यान क्या करना है अभी टेन थीटा प्लस कोट थीटा, क्या याद करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा याद करना है। अब हमें मालूम है कि टेन और कोट किससे आएगा साइन और कोस के बिना टेन और कोट आ नहीं सकता, और ये साइन और कोस में कन्वर्ट हो सकते हैं तो क्या करेंगे हम इसको एल एच एस ले लें, एल एच एस है वन अपॉन सेक यानी सेक स्क्वायर थीटा का वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हुआ प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हुआ, यानी इनको हमें मालूम है कि टेन और कोट में यदि बदलना है तो हमें इनको पहले किसके कन्वर्ट करना है कोस और साइन के अंदर, कोस और जब इनको साइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा टेन और क्या आ जाएगा कोट आएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जब हमें हमारे पास एलसीएम आ गया तो क्या आएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है इनका मान हमेशा क्या होता है एक होता है, अब वो नीचे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट उठाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट वन अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा वन अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा। लेकिन अब हमारे पास हमें मालूम है जब हम एक दे रखा है, अब हमें मालूम है कि वन अपॉन कोस तो सेक होता है, हमें जानना क्या है कोट और टेन के अंदर कन्वर्ट करना है तो वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा
वही होगा। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, तो एक है उसकी जगह पे मान क्या रखना है, साइन और कोस के पदों में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है एक। तो इसका जगह मान क्या रखेंगे हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या गया कोस थीटा डॉट साइन थीटा, क्या गया कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के बटे में भी क्या है दो है, साइन स्क्वायर थीटा बटे एक क्या है कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बटे में भी क्या है कोस थीटा और साइन थीटा, एक कोस कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमारे पास में जो बचेगा इसके बाद में हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचा है, साइन से साइन कैंसिल आउट है तो क्या बच गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ है तो क्या बचा हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मान क्या होता है टेन थीटा प्लस कोस अपॉन साइन का मान क्या होता है कोट थीटा, और ये हमारा क्या है आर एच एस है। स्क्रीनशॉट लगाओ इसका, वापस बता दें इस सवाल को, सवाल दे रखा है अंडर जो सवाल दे रखा था उसके अंदर हमें मान याद करने थे टेन और कोट के रूप में, और हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था सेक और कोसेक के रूप में, सेक को मैं कन्वर्ट किया 1 कोसेक स्क्वायर थीटा में, और जो साइन कोसेक है उसको किया 1 साइन स्क्वायर थीटा के अंदर। जब हमने एलसीएम लिया सब कुछ किया तो हमारे पास एक आया, अब हमारे पास 1 कोस और 1 साइन का मान जो क्या आता है सेक और कोसेक आएगा, वापस लिख रहा हमें टेन और कोट के पदों में करना है तो हम एक ही चीज क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जब हमने ये मान रखा तो साइन स्क्वायर थीटा के बट्टे में भी क्या है कोस और साइन है, और कोस स्क्वायर थीटा के बट्टे में भी कोस और साइन है, एक साइन से साइन कैंसिल आउट, एक कोस से कोस कैंसिल आउट, और क्या बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और मान लिया टेन थीटा और कोट थीटा, ये हमें याद करना था। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, अगला सवाल है आठवां सवाल देखो, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, याद क्या करना है हमें टेन अल्फा डॉट टेन बीटा, वही बात है प्लस में दे रखा है और उसमें याद करना है हमें डॉट के अंदर याद करना है, तो हम भी क्या करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे एल एच एस लेंगे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन इसमें होता है साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कोस ऑफ बीटा बट्टे के अंदर, कोट को किसमें चेंज करेंगे कोस अपॉन साइन में, तो कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन क्या हो गया साइन बीटा। अब हमने याद कर लिया तो इसमें भी क्या जाएगा ये एलसीएम आ जाएगा, इसमें भी ये क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो पहले के अंदर जो एलसीएम आएगा क्या आएगा कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा, और इसके अंदर जो आएगा पहले इसका देख लो कोस अल्फा और कोस बीटा आ गया तो साइन अल्फा और कोस ऑफ बीटा प्लस साइन बीटा कोस ऑफ एल्फा, इसमें भी क्या आ जाएगा साइन एल्फा और साइन बीटा, इन सब आ गया तो क्या हो जाएगा एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा कोस एल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन एल्फा से कोई खास फर्क नहीं है कौन सा बीटा है और कौन सा एल्फा है तो सेम ही ये साइन एल्फा आगे लिखा हुआ है कोस बीटा पीछे लिखा हुआ है, आगे और पीछे इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इतना हो गया। इसके बाद आगे देखो इसको जो एलसीएम दे रखे हैं, अब उन एलसीएमों को हमें क्या करना है इनको अलग अलग करो, साइन एल्फा कोस ऑफ बीटा प्लस साइन बीटा कोस ऑफ एल्फा बटे क्या आएगा कोस एल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा और साइन एल्फा इनटू के अंदर, अब ये संख्या आएगी कोस एल्फा कोस बीटा, कौन सी आएगी
cos alpha cos beta ये उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी sin alpha sin beta upon cos alpha cos beta। और हमें क्या क्या करना है, tan alpha tan beta क्या करना है। अब ये sin alpha cos beta है, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास साइन एल्फा कोस बीटा, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात एक ही है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, सभी मान प्लस के हैं, कोई माइनस का भी नहीं है, कि कोई प्रेशर नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं होगी, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा क्या है, अपने बचा है हमारे पास साइन एल्फा साइन बीटा अपॉन कोस एल्फा कोस ऑफ स्क्रीनशॉट में कोस ऑफ बीटा। तो ये संख्या बची हुई है साइन एल्फा और साइन, यानी एल्फा वाली संख्या अलग करेंगे साइन एल्फा कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा कॉस ऑफ बीटा। साइन एल्फा और कॉस एल्फा का मान क्या होता है, टेन एल्फा डॉट। साइन बीटा और कॉस बीटा का मान भी क्या होता है, टेन बीटा। और ये हमें क्या करना, ज्ञात करना। आप क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से घर जाके कर सकते हो और वापस रिवीजन भी कर सकते हो इनका। इसके शॉर्ट लो एक बार, नवा सवाल देखो, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन वन प्लस क्या है, साइन थीटा है, और इसका मान हमें क्या क्या करना है, टू सेक थीटा। अब हमें मालूम है कि सेक मान कब आएगा, जब कोस का क्या होगा, उल्टा होगा तो सेक होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, एलएचएस लेते हैं, कॉमन है दोनों की तरह, तो कॉमन क्या लिया आपने, cos थीटा 1 प्लस sin थीटा। जब ये कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा और ये क्या होगा, इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। cos से cos का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था इसका, जब हम एलसीएम इसका लेते हैं, अब हमारे पास जो मान है क्या हुआ, एलसीएम लेने पर ये मान आ गया। अब 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा का sin थीटा का होल स्क्वायर करना है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस में क्या रखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है, cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा। अब हमें एक बात और मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, हमेशा एक होता है। इसको देखो, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा ये और ये, इसका मान क्या है, एक आ गया, प्लस पीछे क्या बच गया, 2 sin थीटा, पीछे क्या बच गया, 2 sin थीटा, और नीचे क्या दे रखा है, cos थीटा 1 प्लस sin थीटा। यानी क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को हमने एक कर दिया, और एक आगे रखा हुआ है, और 2 साइन थीटा हमारे पास में से ऐसे बच गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास बचा। अब हमें दो क्या लेने हैं, इसमें से कॉमन लेने हैं, कॉमन लेंगे दो, एक बच गया, एक प्लस क्या बचा हमारे पास है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से क्या कट गया, 1 प्लस साइन थीटा कट गया, और 2 बटा कोस थीटा का मान क्या होता है हमारे पास, 2 बटा कोस थीटा का मान क्या होता है, 2 बटा कोस थीटा, और क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा। और ये हमें क्या करना है, आरएचएस याद करना है, एकदम इजी सवाल है, आसानी से आराम से देखो, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। अब जो दसवां प्रश्न है वो एकदम इजी है, वो आपको करके लाना है, मैं बता रहा हूँ, एक बार दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप आसानी से करके लाना है आपको। लिखो दसवां क्वेश्चन, लिखो साइन 4 थीटा माइनस
cos cot theta upon sin square theta cos square theta बराबर में a। करना कुछ नहीं है हमें, sin की 4 का दे रखी है और cos की 4 का दे रखी है, तो क्या हो जाएगा sin square theta का होल स्क्वायर, यानी ऊपर की तरफ क्या करते हैं कि इसका होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से अपना मालूम है a माइनस b और a प्लस a b। तो a माइनस b और a प्लस b होगा, चलो मैं बता देता हूं एक बार आपको, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दो दूनी 4 हो गई और इस बार दो दूनी 4 घात हो गई अपॉन में LHS ले लिया हमने sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। अब इनको क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया एक बार sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, बटे में क्या रखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान हमेशा क्या होता है a होता है, और ये हमारा क्या है RHS है। आज के लिए इतना ही, इससे जो आगे वाले 11 से लेकर जो 30 तक सवाल है उनको भी कंटिन्यू आप करना, आराम से हो गए जैसे 8 सवाल किए हैं इसे कल कराएंगे, और परीक्षाओं के बारे में चिंतित ना हो, परीक्षाएं होगी।